त्रम के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज आपको अंक ज्योतिष के रूप में माह अप्रैल में जिन लोगों का जन्म हुआ है, जिन तिथियों में जिनकी जन्मतिथि है 8, 17 और 26, उनका व्यक्तित्व क्या होगा, उनको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उनको कौन से रोग इत्यादि हो सकते हैं जिनसे बचने के उपाय क्या होना चाहिए, उनको शुभ रंग क्या होंगे, शुभ नग क्या होंगे, इसके विषय में आपको बताने जा रहा हूं। तथा ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी तिथियां शुभ होंगी जिसमें वो कोई कार्य प्रारंभ करेंगे तो उनको कार्य में सफलता मिलेगी और किस रंग के वो कपड़े पहने। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। साथियों, मैंने अपने वीडियो में आपके लिए जनहिताय के लिए बहुत सी काम चीज़ें डाली हैं, कैसे सर्पों से सुरक्षा किया जाए, कैसे घर की सुरक्षा किया जाए, कैसे अपने जीवन की सुरक्षा किया जाए, कैसे रोगों से मुक्ति पाई जाए, और वास्तु के रूप में तमाम टिप्स दिए हैं जिनको अपना करके आप अपना भला कर सकते हैं, घर को ठीक कर सकते हैं, घर में आने वाली परेशानियों से बचाव कर सकते हैं, इसके विषय में तमाम बातें आपको बता चुका हूँ। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल में प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी शेयर लाइक करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आते हैं मूल विषय पर। साथियों, 8, 17 और 26 अप्रैल जिन लोगों की जन्मतिथियां हैं उनके कारक ग्रह जो होंगे मंगल और शनि होंगे, लेकिन 8 और 17 के जो कारक ग्रह होंगे विशेष रूप से मंगल शनि होंगे, और जिन लोगों का 26 अप्रैल जन्म होगा वो शुक्र ग्रह के प्रभाव में भी आ जाएंगे। तो इस तरह से पहले 8 और 17 के लोगों क्या होगा, यदि आपकी जन्मतिथि 8 और 17 है तो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में काफ़ी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, विवाह और संबंधियों से आपको परेशानी हो सकती है, यदि साझेदारी में कोई आप व्यापार करते हैं उससे भी आपको परेशानी हो सकती है। तो साथियों, इसमें आपको सुझाव दूंगा कि आप थोड़ा मैच्योरिटी होने के बाद व्यापार में किसी साझेदार बनावें अथवा आप विवाह करें, क्योंकि मैच्योरिटी होने के बाद उस देश विवाह करने के बाद आपका विवाह सुखदायी होगा और आने वाली परेशानियों से आपको बचाव करेगा। अपने मेहनत और सूझबूझ से अपने बलबूते आप जीवन में तमाम बाधाओं को पार करेंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे और जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो पाएंगे। आपको अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे आपको कोई पेट के रोग न होने पाए, क्योंकि भोजन की अनियमितता होने पर आंतों में तकलीफ हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं, आंतों में फोड़े फुंसी हो सकती है, इसलिए भोजन पर हमेशा ध्यान रखें, मादक पदार्थों से शराब इत्यादि के सेवन से परहेज करें, अन्यथा आपको यह बीमारियाँ पेट में हो जाएंगी। साथियों, आपकी यह जिनकी यह जन्म तारीखें होंगी उनकी प्रवृत्ति होगी कि ऐसे ऐसे सामानों को इकट्ठा करने लगेंगे जिनकी उनको विशेष आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए आपको मैं सलाह देता हूँ कि अगर वास्तु के रूप में यह भी एक आता है कि अगर निष्प्रयोज वस्तुओं को यदि आप घर में रखते हैं तो भी एक वास्तु दोष की कारण बन जाती है, इसलिए आप निष्प्रयोज वस्तुओं को संग्रह करने से बचें और जीवन के प्रारंभिक वर्षों में टॉन्सिल, कान, गला इत्यादि की समस्याएं हो सकती हैं, हो सकता है कि आपको इसके लिए ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, इसलिए अगर ऐसी कोई समस्या आए तो अंग ज्योतिष के साथ साथ आप सामान्य ज्योतिष से भी परामर्श करके और उसके पहले ही आप निदान उसका खोज लें, किस ग्रह से कौन सी आप रोग होने वाले हैं, उस ग्रह का उस विषुवत्री दशा अंतर दशा का जो ग्रह है
उसका उपचार करना है जिससे कि आप उन रोगों से मुक्ति मिल सके। और रोग तो साथियों हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमको जीवन में रोग इत्यादि मिलते हैं, लेकिन समय पर उसका उपचार कर लेने पर, वैदिक उपचार अर्थात पूजा पाठ कर लेने पर रोगों की तीव्रता कम रहती है और आप परेशानियों से बचे रहते हैं। यदि आपका जन्म 26 अप्रैल को हुआ है तो आपके अंदर थोड़ा शांत स्वभाव रहेगा। 8 और 17 वालों से आपका व्यक्तित्व कुछ अलग रहेगा। 8 17 वाले थोड़ा उग्र स्वभाव के होंगे, थोड़ा उदंड जिसके अंदर है, काफ़ी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी और थोड़ा गुस्सेल स्वभाव का होगा। लेकिन 26 अप्रैल वालों का स्वभाव थोड़ा नरम होगा और वो जो है लेकिन इस नरम स्वभाव के कारण कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी वाद विवाद में आप किसी परेशानी फंस सकते हैं, मुकदमे में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। धन के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे और आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा रहेगा। साथियों अब आपको मैं कौन सी तारीखें आपको शुभ रहेंगे इसके विषय में बताने जा रहा हूँ। आपको जो 8 और 17 जिनकी तिथियां हैं, जन्मतिथियां, उनके लिए 4 8 13 17 22 और 26 तिथियां उनके लिए विशेष शुभ रहेंगी। और जिनका जन्मतिथि 26 अप्रैल है उनके लिए 1 10 19 6 15 24 किसी भी महीने की ये तारीखें उनके लिए शुभ रहेंगी। इन तारीखों में कोई कार्य करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। और अपना भला करने के लिए, अपना शुभ करने के लिए आपको कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए ये भी आप जान लें। तो सुनहरा पीला है और नारंगी नीला और लाल रंग, यह कपड़े आप पहनेंगे अथवा इन कपड़ों की हैंकी रखेंगे, उनका आप प्रयोग करेंगे तो इससे आपके व्यक्तित्व में विकास होगा और आप जहाँ जाएंगे किस काम के लिए उस काम में कुछ सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे। आपका जो शुभ नग होगा वो मूंगा होगा, नीलम होगा और नीले सभी प्रकार के नग होंगे। तो साथियों मैंने आज 8 17 और 26 अप्रैल जिनका जन्मतिथि है उनके विषय में मैंने आवश्यक जानकारी आपको दिया। आशा है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप उसके अनुसार अपना भला कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।